हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज फाइंडिंग अ कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? अगर नॉर्मल भाषा में समझे, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, जिस जो कंप्लीट करता हो. करेक्ट. जैसे कि 10, 100, 1,000, 10,000, 1 lakh, जो भी हो, ये सारे कंप्लीट करते हैं कोई भी एक डिजिट को, कोई भी एक नंबर को कंप्लीट करते हैं. अगर हम समझते हैं 4, इसको कंप्लीट क्या करता है, ये अपना क्वेश्चन है. ठीक है. सो कैलकुलेशन अगर हम करें, 10 जो कि पूरक है, -4, 6, सो कॉम्प्लीमेंट हो गया 6. 4 का कॉम्प्लीमेंट है 6. वैसे ही अगर हम देखते हैं 27, तो इसका पूरक हम बड़ा ही देख सकते हैं, 10 को तो देख नहीं सकते. सो 100 को अगर देखेंगे, ये अपना क्वेश्चन है और हम करेंगे इसका कैलकुलेशन. सो 27, तो इसको हम 10 से माइनस करेंगे 3, इसको हम 9 से माइनस करेंगे 73. सो कॉम्प्लीमेंट हो गया 73. अब जब हम ये दोनों का टोटल करेंगे, आंसर हमें मिलेगा 100. करेक्ट. इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट. वैदिक मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बेस. बेस मतलब 10, 100, 1,000, 10,000, 1 lakh, जो कंप्लीट करे वैसे डिजिट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है वैदिक मैथ्स में. जो आगे के जो भी हम टॉपिक सीखेंगे उसमें आपको ये बहुत काम आएगा. इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं. जब कभी भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, अगर उसको हम कॉम्प्लीमेंट नंबर पे लेके आ जाते हैं, तो उसका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है. चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या कुछ भी हो. हम पहले 2 डिजिट को देखते हैं, 56. ऑलवेज रिमेम्बर, दिस 1 डिजिट शुड बी फ्रॉम 10. रेस्ट एनी नंबर्स, ये चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सबको 9 से सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट द कॉम्प्लीमेंट नंबर. सो 10 - 6 विल बी 4 एंड 9 - 5 विल बी 4. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 56 इज 44. सी 4 and 6, 10, 1 अबव, देन 10, 100 मिलाना कॉम्प्लीमेंट नंबर. ऐसे ही कुछ और हम समझते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आ जाए. 73, अब ये आप माइंड से भी कर सकते हैं. यूनिट प्लेस ऑलवेज फ्रॉम 10, सो 7. 10 प्लेस ऑलवेज फ्रॉम 9, सो 2. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट. 83, 7, 1. 92, अब इसको कैसे करेंगे, 2 है तो ये तो समझ में आता है 8, ये तो 9 से ही है तो 0. This gives us 100. बड़े डिजिट देखते हैं, 362. So 8, 3, 6. Got it? और समझते हैं, 548. So 2, 5, 4. 679. 1, 2, 3. This gives us 1,000. This also gives us 1,000. अगर ऐसे ही हमको बड़े डिजिट में देखना है, जैसे कि 10,000 हो गया, 1 lakh हो गया, या कोई भी हो गया जो कॉम्प्लीमेंट हो, तो हम देखते हैं 2, 4, 7, 6. सो 4, 2, 5, 7. अगर हम इसका प्लस करते हैं, 6 + 4 = 10, सो 0. 1 कैरी फॉरवर्ड होता है 3. 3 + 7 = 10, सो अगेन 0. 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 6. 6 + 4 = 10 अगेन, सो 0. 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 3 एंड 7
टेन. सी वी गॉट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10,000. ऐसे ही कितने भी बड़े रहते हैं. अब हम फाइव डिजिट को भी देखते हैं. 2, 1, 3, 1, 4, 6, 8, 6, 8, 7. अब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 1 लाख का. और डिजिट समझते हैं जिसमें मिडल में जीरो आता हो तो क्या करना है. 3, 0, 8, 9, 4. इसको देखते हैं. 4, 6, 9, 0, 8, 1, 0, 9 as it is. 3, 6. अब इसका प्लस करेंगे तो 4 + 6 = 10. 0, 1 and 9, 10. 0, 1 carry forward over 2. 2 + 8 = 10 again. 0, 1 carry forward over 10 और 0 again 0. 1 carry forward over 7 and 3, 10 again. We got the answer of 1 lakh rupees. ऐसे ही आप 8 digit देख लीजिए, 7 digit देख लीजिए. कितने भी बड़े नंबर को देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसको भी देख सकते हैं. 8, so always 2, 7, 2 again, 0, so 9, 5, 4, 3, so 6, 7. I'm writing it here, you can understand this. 7, so 2, 4 means 5, 8 means 1. So the answer is 1, 5, 2, 6, 4, 9, 2. This is the complement for this big number. अगर यही हमको नॉर्मल मैथ्स में कैलकुलेशन करने दिया जाए, 1000 - 734 हम लोग बोरो करेंगे, कैरी फॉरवर्ड लेंगे, उसके बाद हमें आंसर मिलता है. एटलीस्ट वी टेक 30 सेकेंड्स. बट विद दिस मेथड अगर हम करते हैं हार्डली हमें 3 सेकेंड लगता है. इनफैक्ट अपना माइंड अपने क्वेश्चन से ज्यादा फास्ट आंसर देना शुरू कर देता है, जिससे अपना मैथ्स और भी आसान हो जाता है. ऐसे ही और वीडियोस में हम अलग अलग वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स देखते जाएंगे, जिससे अपना मैथ्स का कैलकुलेशन आसान भी हो जाए, प्लस हमारा जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है ये दोनों भी ब्रेन अपने एक साथ काम करने लगते हैं. वी ऑलवेज नो राइट ब्रेन अपना क्रिएटिविटी के लिए रहता है और लेफ्ट ब्रेन जो अपना रहता है वो मेमोराइज के लिए रहता है. हम क्या करते हैं नॉर्मल मैथ्स में जब भी हम कुछ सीखते हैं हम सिर्फ उसे मेमोरी करने के लिए देखते हैं, जिससे हमें वो याद नहीं रहता बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. कहीं ना कहीं हम उस चीज को समझ ही नहीं सकते, सिर्फ हम उसे याद रखने की कोशिश करते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम हमें ही नहीं बच्चों को भी आती है. और हम बच्चों को सिर्फ बर्डन देते हैं कि आप सीखिए आप कीजिए, लेकिन यही अगर हम ऐसे फॉर्मूला ट्रिक्स और टेक्निक से सिखाते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता भी है, समझता भी है, और यही प्रॉब्लम को वो जल्द से जल्द सॉल्व कर सकता है. दिस इज मैजिक ऑफ वैदिक मैथ्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इसी के वर्कशीट्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसमें कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा.